नूतन कहानियों में मित्रों आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है किस्मत का लिखा जरूर होकर रहता है। मित्रों किस्मत कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, तकदीर कह लीजिए, बात एक ही है। अक्सर हम कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप कर्मों में विश्वास रखते हैं तो आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है उन्हें किस्मत बहुत कुछ देती है। आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूँ। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ का बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ की पत्नी के अलावा उसके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। सेठ की लड़की बड़ी और लड़का छोटा था। जब लड़की विवाह की उम्र की हो गई तब सेठ ने एक मध्यम वर्ग का लड़का देखा जो नौकरी करता था, और सेठ ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और लड़की को खुशी खुशी विदा कर दिया। अब कुछ दिन बीत गए, सेठानी ने देखा कि उसकी बिटिया जो कि एक मध्यम वर्ग परिवार में अब थी उसे जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। एक दिन सेठानी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी की मदद कर दूँ। सेठ जी के पास तो बहुत सारा पैसा है, इसमें से थोड़ी मदद कर देंगे तो जरूर दामाद को भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और वह मेरी बिटिया को भी ये सब सुविधाएं देने में सक्षम हो जाएगा। सेठानी ने यही बात सेठ जी से कही कि हम अपनी बिटिया की मदद कर देते हैं। इस पर सेठ जी ने कहा कि आज तो हम मदद कर देंगे लेकिन कल कौन मदद करेगा, और आज अगर उसकी किस्मत में होगा तो उसे सुख मिलेगा, अगर उसके कर्म में लिखा है तो किस्मत उसे आगे आकर देगी। ऐसा कहकर सेठ जी ने सेठानी को कहा तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, वह वहाँ खुश है और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कुछ दिन बीते, बेटी और दामाद की हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भौतिक सुख सुविधाएं तो दूर, आर्थिक तंगी होने लगी। एक दिन दामाद किसी काम से ससुराल आया तो सेठानी ने सोचा कि क्यों ना मैं दामाद को मदद के रूप में कुछ ना कुछ तो करूँ, सेठ जी ने तो मना कर दिया है। ये बात सोचकर सेठानी ने घर में जो मिठाई रखी थी उसमें सोने के सिक्के अंदर दबाकर मिठाई का डब्बा दामाद को दे दिया और बोला घर जाकर बेटी को दे देना। दामाद मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। दामाद ने सोचा कि ये मिठाई का डब्बा घर ले जाकर क्या करूँगा, अभी तो पैसों की ज़रूरत है, इस मिठाई के डब्बे को मिठाई की दुकान पर बेच देता हूँ और कुछ पैसे मिलेंगे उससे घर का राशन खरीद लूँगा। ऐसा सोचकर दामाद ने मिठाई का डब्बा पास में ही एक मिठाई की दुकान पर दे दिया, वहाँ से पैसे लेकर चला गया। सेठ जी बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई ले चलूँ। सेठ जी मिठाई की दुकान पर गए और वहाँ से वही मिठाई का डब्बा ले लिया जो सेठानी ने दामाद को दिया था। सेठ जी मिठाई का डब्बा लेकर घर आए और सेठानी को दिया कि ये मिठाई लाया हूँ, बताओ कैसी है। सेठानी ने देखा कि ये वही मिठाई का डब्बा है जो मैंने दामाद को दिया था। सेठानी ने डब्बा खोल कर देखा और मिठाई के अंदर जो सोने के सिक्के रखे थे वह उसमें वापस निकल गए। तब सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को सुनाई और बताया कि मैंने इस डब्बे में सोने के सिक्के रखे थे। तब सेठ जी ने सेठानी को समझाया कि देखो किस्मत कैसी है, ये सोने के सिक्के न तो दामाद की किस्मत में थे और ना ही उस मिठाई वाले की किस्मत में, अब तुम ही देख लो कि ये सोने के सिक्के लौट कर वापस मेरे पास ही आ गए, तो जब तक अपनी किस्मत में भौतिक सुख न लिखा हो तब तक हमें वह नहीं मिलता, और जिस दिन मिलता है उसे कोई चुरा नहीं सकता। मित्रों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जब भी आपकी किस्मत में सारे सुख जिस दिन मिलना लिखे हैं उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो, एक दिन आपके कर्म आपके पास लौटकर जरूर आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं।